अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, देखें 10th क्लास मैथ लर्निंग विद इजाज़ हुसैन एक्सरसाइज हमारे पास 2.2 और इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है, वो कहता है प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। बच्चे हम यहाँ क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे राइट हैंड साइड लेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसका जो आंसर है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है एक्स प्लस वाई और साथ हमारे पास एक्स प्लस ओमेगा वाई और इनटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर और साथ क्या है जी वाई। अब देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई को एज इट रहने दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखें एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स को जब ओमेगा स्क्वायर वाई से तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर एक्स एंड वाई हो जाएगा। अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस ओमेगा वाई को एक्स से, तो ये हो जाएगा प्लस ओमेगा एक्स और वाई क्या हो जाएंगे एक्स वाई। उसके बाद प्लस ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई से ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 3 और वाई एंड वाई वाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर। उसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई एज इट आ जाएगा और साथ हमारे पास देखें यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इधर भी है इधर भी है, हम एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, प्लस ओमेगा की 3 हम जानते हैं, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के और ये वाई स्क्वायर और ये हमारे पास ब्रैकेट। अब देखिए हमारे पास एक्स प्लस वाई और साथ यहाँ पे देखें ज़रा तवज्जो से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आएगा। आप जानते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करने से ये एज इट आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई एज इट आएगा और यहाँ देखें एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई और प्लस हमारे पास क्या है जी स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर। आप जानते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, या यूँ कह लें ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है हमारे पास फर्स्ट का क्यूब प्लस हमारे पास सेकेंड का क्यूब, तो ये क्या होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड, तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट, या यूँ कह दीजिए आप कि हैंस प्रूव्ड दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है ज़रा तवज्जो से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया गया है कि प्रूव दैट, हमने प्रूव करना है किस चीज़ को, हमने प्रूव करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। तो देखें जी हमने इसको प्रूव करना है, यहाँ भी हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड लेंगे, जब राइट हैंड साइड लेंगे ज़रा तवज्जो से देखें स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई और प्लस हमारे पास जेड एज इट आएगा और फिर एक्स प्लस ओमेगा वाई और फिर प्लस हमारे पास ओमेगा स्क्वायर और जेड और इनटू हमारे पास देखें एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई और प्लस हमारे पास ओमेगा और जेड। लेफ्ट राइट हैंड साइड ली, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए। तो देखें आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो है एक्स प्लस वाई प्लस जेड को एज इट लिखते हैं, एक्स प्लस वाई और प्लस हमारे पास जेड, ये एज इट आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स को ओमेगा स्क्वायर वाई से, तो ये ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई होगा और उसके बाद देखें एक्स को ओमेगा जेड से तो प्लस ओमेगा एक्स और जेड हो जाएगा। एक्स को उन तीनों से मल्टीप्लाई करने के बाद अब ओमेगा वाई को इन तीनों से मल्टीप्लाई, प्लस ओमेगा वाई को एक्स से ओमेगा एक्स वाई, उसके बाद प्लस हमारे पास ओमेगा वाई को ओमेगा स्क्वायर वाई से ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का क्यूब वाई एंड वाई वाई का स्क्वायर आ जाएगा और ये हो गया स्क्वायर। अब ओमेगा वाई को ओमेगा जेड से तो आप यहाँ लिख दें प्लस ओमेगा एंड ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर वाई और साथ क्या आ जाएगा जेड,
इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड को एक्स है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स एंड जेड। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की फोर वाई और साथ जेड आ जाएगा। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा ओमेगा का क्यूब जेड एंड जेड जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ आ गई स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे करते हैं, ज़रा तवज्जो से देखिएगा, एक्स प्लस वाई प्लस हमारे पास जेड एज इट और इनटू देखें पहले एक्स स्क्वायर लिख लें, फिर हम लिखते हैं प्लस हमारे पास ओमेगा स्क्वायर एक्स एंड वाई। जब ओमेगा स्क्वायर एक्स एंड वाई हमने लिखा, इसके साथ देखें ये ओमेगा एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई, हम साथ साथ लिख लेते हैं, ये ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई था तो ये ओमेगा एक्स वाई है, हमने इसको भी लिख दिया। आप देखें ओमेगा एक्स जेड है तो हम लिखते हैं प्लस ओमेगा एक्स एंड जेड, और आगे देखते हैं कहीं ओमेगा, ये रहा हमारे पास प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स एंड जेड आ जाएगा। उसके बाद देखें हमने इसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया, अब चलते हैं, ये लिखा गया, अब हमारे पास आगे आ रहा है प्लस हमारे पास ओमेगा की थ्री और वाई का स्क्वायर, इसको लिखा, अब चलते हैं इस पे, हमारे पास देखें ओमेगा स्क्वायर वाई जेड कोई और वाई जेड, ये रहा हमारे पास प्लस हमारे पास ओमेगा की फोर वाई एंड जेड है, और आखिर में हमारे पास बच रहा है प्लस ओमेगा की थ्री और जेड का स्क्वायर, ये चीज़ हमने लिख दी तरतीब में। अब देखें हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को एज इट लिखें, और यहाँ ज़रा तवज्जो से देखिएगा एक्स स्क्वायर एज इट प्लस, यहाँ देखें एक्स वाई इन दोनों में कॉमन है तो हम एक्स वाई ले लेते हैं कॉमन, बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा। उसके बाद प्लस बेटा ये ओमेगा एक्स जेड है, ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड है, दोनों में एक्स जेड है तो हम एक्स जेड कॉमन ले लेते हैं, और क्या बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें प्लस हमारे पास क्या है, ओमेगा की थ्री ये वन के इक्वल है, डॉट वाई स्क्वायर एज इट आएगा, प्लस इधर भी वाई जेड है, इधर भी वाई जेड है तो हम वाई जेड कॉमन ले लेते हैं, और क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस ओमेगा की पावर फोर। उसके बाद प्लस हमारे पास देखें स्टूडेंट्स ओमेगा की थ्री वन के इक्वल डॉट जेड का हमारे पास स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अगले स्टेप में देखें जरा तवज्जो से, हमारे पास एक्स प्लस वाई और प्लस हमारे पास जेड और इनटू ये एक्स स्क्वायर एज इट प्लस एक्स वाई एज इट और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो होता है ये माइनस वन के इक्वल होता है, प्लस एक्स जेड एज इट और इनटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये माइनस वन के इक्वल है, और ये ब्रैकेट आगे चल रहा है अभी, ये प्लस वन से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा प्लस हमारे पास वाई जेड। तो देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर, हम इसको लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की फोर को लिखते हैं ओमेगा की थ्री डॉट हम ओमेगा, क्योंकि पहले इसको थ्री के मल्टीपल्स में चेंज करेंगे, और फिर हमारे पास देखें क्या आ जाएगा जेड का स्क्वायर। तो चलते हैं अगले स्टेप में, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास देखें एक्स प्लस वाई प्लस हमारे पास जेड है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखें हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर एज इट और फिर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस माइनस एक्स जेड और फिर प्लस हमारे पास वाई स्क्वायर और फिर हमारे पास देखें प्लस वाई जेड और इनटू इनटू देखें स्टूडेंट्स ये ओमेगा स्क्वायर प्लस हमारे पास ओमेगा क्यूब है, ओमेगा स्क्वायर प्लस हमारे पास वन ओमेगा क्यूब की जगह आगे हमारे पास ओमेगा और साथ हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ रहा है प्लस जेड का स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो रही है, ठीक है जी। उसके बाद देखें हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई और प्लस हमारे पास जेड और यहाँ ज़रा तो वजह से देखिएगा एक्स स्क्वायर एज इट और फिर हमारे पास माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स जेड और फिर प्लस वाई का स्क्वायर। स्टूडेंट्स देखें ओमेगा स्क्वायर ये प्लस ओमेगा होगा तो आप जानते हैं ये किसके इक्वल होता है, ये माइनस वन के इक्वल होता है और प्लस हमारे पास क्या है साथ जेड का स्क्वायर है। अब स्टूडेंट्स देखें हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एक्स प्लस वाई और प्लस हमारे पास जेड इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस हमारे पास एक्स जेड और फिर हमारे पास प्लस वाई का स्क्वायर और फिर हमारे पास प्लस माइनस माइनस वाई जेड आ जाएगा और प्लस हमारे पास जेड का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई और प्लस हमारे पास जेड है इनटू देखें स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स स्क्वायर लिखें फिर प्लस वाई स्क्वायर लिख लें फिर प्लस जेड स्क्वायर, तरतीब से लिख दिया। उसके बाद देखें आप माइनस एक्स वाई लिखें माइनस वाई जेड लिखें और माइनस जेड एक्स लिखें या एक्स जेड एक्स लिखें या एक्स जेड, इससे फ़र्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स। यहाँ तक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए एक फार्मूला होता है कि हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी
सी ए ये इक्वल होता है हमारे पास किसके, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब। इट्स मीन मैं आपके सामने ए बी सी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लेकिन ये हैं क्या एक्स वाई एंड जेड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस हमारे पास होता है थ्री एक्स वाई एंड जेड। तो ये हमारे पास इसका एक फार्मूला है, ये इसी के इक्वल होता है। अगर कोई स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, फिर भी एंड में आंसर यही आएगा। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है। तो हमने राइट हैंड साइड को लेके चले और हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन लास्ट है हमारे पास, हमने क्या करना है ज़रा तवज्जो से देखिएगा। हमारे पास कहता है शो दैट, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमने, क्वेश्चन नंबर 5 और प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा और साथ हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 एंड अप टू सो ऑन 2n फैक्टर। ये इसकी कोई लिमिट दी हुई है, इट्स मीन ये अप टू सो ऑन आगे जी नहीं जा रहा, ये कहीं ना कहीं जाके क्या होता है, स्टॉप होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर। तो स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताएं कि 1 प्लस ओमेगा जो होता है ये किसके इक्वल होता है, हम जानते हैं ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है ये माइनस ओमेगा के इक्वल होता है, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए हमारे पास ये जो दिया हुआ है 1 प्लस ओमेगा की 4, तो हम इसको लिखते हैं 1 प्लस हमारे पास ओमेगा की 4 को लिखते हैं ओमेगा की 3 डॉट ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा की 8 को ओमेगा की 6 डॉट हम ओमेगा का स्क्वायर 3 के मल्टीपल में चेंज करना है ना, तो अप टू सो ऑन 2n फैक्टर है हमारे पास। तो देखें स्टूडेंट्स अब क्या होगा हमारे पास, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर जब माइनस ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव ओमेगा का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के डॉट हमारे पास ओमेगा। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की 6 को ओमेगा क्यूब और बाहर पावर 2 लिखें डॉट ओमेगा का स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स फैक्टर है, ठीक है जी। देखें जी हमारे पास क्या ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है 1 के। उसके बाद 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने से ये एज इट आ जाएगा ओमेगा और इनटू हमारे पास देखें स्टूडेंट्स 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल इसका स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर और साथ हमारे पास अप टू सो ऑन 2n फैक्टर है। तो ज़रा तवज्जो से देखें स्टूडेंट्स ये 1 एज इट इनटू फिलहाल इसको ऐसे लिखें 1 प्लस ओमेगा और इनटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा डॉट ओमेगा स्क्वायर आएगा और फिर अप टू सो ऑन 2n फैक्टर। तो नेक्स्ट देखें हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है 1 और इनटू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और इनटू देखें 1 प्लस ओमेगा है 1 प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस ओमेगा अप टू सो ऑन 2n हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स फैक्टर। तो देखें जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 इनटू माइनस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा से तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स पॉजिटिव ओमेगा क्यूब अप टू सो ऑन 2n फैक्टर है हमारे पास फैक्टर्स। अच्छा जी उसके बाद देखें हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है ये 1 इंटू ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। अब देखें वो ये कहना चाह रहा है आगे भी अगर कुछ होता उसको भी इसी तरह सिंप्लीफाई करने के बाद एंड में 1 नहीं आता, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1, इसको ना भी लिखें इससे फ़र्क नहीं क्योंकि आगे भी 1 1 आना है, 1 को जितने टाइम भी मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। और ये आपके पास क्या आया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड ली थी और हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है, ये प्रूव हो चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स।